बेटा तुझे मार कितने कम आए पहले बता दे, वरना तुझे मारूंगा कम और हगाऊंगा ज्यादा। पापा आपका लड़का पढ़ाई में पूरे स्कूल में सबसे सुपर है और मार्क 90 से ऊपर है। अरे वाह बेटा, फिर तो मैं मिठाई पहले ही मंगवा लेता हूँ। हाँ हेलो गुप्ता जी, 2 किलो आलू कतरी। हाँ हाँ जल्दी, ठीक है ठीक है। उफ, कितनी धूप है बाहर, ये ज्यादा से रिजल्ट आ गया। ये कौन है? वाह क्या एंट्री दे रही, पापा माल है मेरी। तेरा बाप बवाल है मेरी, पूरे मोहल्ले में 90% से ऊपर मेरे को ही तो आए, तो बवाल तो रहेंगे ना। लाओ बेटी 2 मिनट। हाँ ये लो निकल। ठीक है राधे मैं जा रही। अरे पैदल कहाँ जाएंगी, KTM से छोड़ दूँ क्या? नहीं मैं चले जाऊंगी। ठीक है फिर बाय। क्या हो गया साले, स्कूल तो तू डंडा वाली साइकिल लेकर जाता और उसको KTM से छोड़ने की बात कर गया है। पापा लड़कों का मुंह फोड़ने में और किसी से झूठ बोलने में मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन कल तो तू किसी और से मुंह फोड़वा के आया था। किससे? अरे पापा आप तो सीरियस हो गए, मैं तो डायलॉग मार रहा था। हो गई अब तेरे डायलॉग, अब रिजल्ट देखो क्या? हाँ पापा देखो ना, इसी का तो इंतजार था मुझे। हाँ अभी खोलता हूँ। क्या हुआ पापा, इतना चौक क्यों गए? सनी ने उनको पूरे कपड़ों में देख लिए क्या? मुझे भी दिखा रिजल्ट। इसकी माँ का ढोसा। अब तू क्यों चौंक गया? तू तो बोल रहा था इसमें 90 मार्क से ऊपर है, लेकिन इसमें तो साला सिर्फ 2.5 मार्क है। पापा को बातों में फंसाना पड़ेगा, नहीं तो आज बहुत पिटाई होगी। तेरा बाप। पापा आप अपने कपड़े फिटिंग क्यों नहीं करते? मुद्दे पर आ, वो क्या है ना, हम एग्जाम में चीटिंग नहीं करते इसलिए हमको कम परसेंट आते हैं। तो करता क्यों नहीं तू चीटिंग? इसलिए कि समझो मैं चीटिंग कर रहा और मुझे गलती से बोर्ड वाले पकड़ लेते हैं और मुझे 3 साल के इन्वेस्टिगेट करने की धमकी देते हैं। मैं डर के मारे आपको कॉल करता हूँ और आप आकर बेफालतू में 10-15 हज़ार देकर इनका मुंह बंद करवा देते हैं। वो 10-15 हज़ार रुपये देने से अच्छा मैं फिर से पढ़ के पेपर ना दे दूँ। बात तो तूने एकदम सही कही है, थैंक्स पापा। ये पापा तो मान गए। क्या राधे कितने मार्क आए इस बार? क्या मस्त चीटिंग किया तूने? तूने चीटिंग किया था? नहीं पापा नहीं अंकल, मैंने खुद अपने आंखों से देखा इसे चीटिंग करते हुए। क्यों, केमिस्ट्री के पेपर के दिन भूल गया तू? तू अपने हाथ में चीटिंग पकड़ के रिया को दे रहा था और बोल रहा था ये ले रिया मेरा हो गया, अब तू देख कर लिख ले। तेरी माँ की झूठ बोल रहा है पापा ये। अच्छा तू एक बात बता, मैं तुझे COVID-19 और टट्टी ये दोनों में से एक चीज चूज करने को कहूँ तो तू क्या चूज करेगा? ऑफकोर्स टट्टी, मुझे लगा भी था पापा इसकी और मेरी ना पट्टी इसलिए ऐसा कर रहा है ये। अच्छा तुझे लगता है कि मैं अंकल के सामने ऐसी झूठी बातें करूँगा? अच्छा चल ये बात छोड़, तुझे मार्क्स कितने आए? अरे यार तू जाना राधे, तू इसे मार्क्स क्यों नहीं बता देता? नहीं पापा ये सबको बता देगा। अच्छा ठीक है तू मत बता, मैं ही बता देता हूँ। ओह शिट पापा आपने क्यों बता दिया इसे, अब ये सबको बता देगा। लेकिन तू ये बात छुपाना क्यों चाहता है, 98 मार्क कम थोड़ी होते। क्या? हाँ ना, मैं भी तुझे यही समझा रहा था कि 98 मार्क कम थोड़ी ना होते, लेकिन ये कहता है कि मुझे 99 मार्क होना, एक मार्क कम होने से कुछ नहीं होता बेटा। अब ये किसका फोन आ गया है? हाँ शर्मा जी, नहीं इस बार इसे थोड़ा कम आया है, 98 मार्क से आया है। बेटा तुझे पता चल गया ना इसे कितने मार्क आए, अब तू जा। थैंक यू सो मच पापा। अभी तू क्या सोच रहा, मैंने ये सब तेरे लिए बोला? अभी मेरी इज्जत चल जाती थी, लोग क्या बोलते थे इसके लड़कों को सिर्फ 2.5 मार्क आए हैं, तेरी सुताई तो अब होंगी। तेरा बाप आया।